नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले मिर्च टमाटर का ठेचा। ऐसे तो आपने बहुत सारे ठेचा खाए हैं, चटनी खाई है, ये तरीका थोड़ा अलग है दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगी कि ये तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा, तो आपने लास्ट तक वीडियो देखना है। वीडियो पसंद आने के बाद हमें कमेंट करना ना भूलना है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी क्लिक करें, यानी जो भी नई लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी। तो चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 200 ग्राम मिर्च ली है दोस्तों। ये कांगड़ा मिर्ची, ये कम तीखी वाली होती है। यदि आपको ज्यादा तीखापन पसंद हो तो आप तीखा मिर्ची भी आप यूज कर सकते हो, पर ये मिर्ची परफेक्ट है, छोटे से लेके बड़े तक सभी मिर्च का ठेचा खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले ही मिर्च को पहले धो लिया है और कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया हुआ है। अभी यहाँ पे जो मिर्च की जो डंडिया होती है वो हमें चाहिए नहीं, तो सारी मिर्च की डंडिया में से निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने सारी मिर्च की डंडिया निकाली, देखो इसी तरह से। अभी यहाँ पे हमें मिर्च को कट करना है, थोड़ा इजी तरीका बताऊंगी। पहले मिर्च बहुत बड़ी है तो हमें सीखने में दिक्कत होगी, तो हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है इसी तरह से, और बीच में से इसको कट करना है, बीच में से, देख लो इसी तरह से। तो क्यों ना सारी मिर्च को हमें इसी तरह से हमें कट कर लेते हैं बीच में से। अभी यहाँ पर एक पैन लेना है, यहाँ पे हमने मिर्च डाल देनी है। इसी के साथ ही हमने 10 या 12 लहसुन डालना है, थोड़ा लहसुन ज्यादा ही चाहिए क्योंकि इसकी जो टेस्ट अच्छी आती है ठेचे में, उसके साथ ही हम डाल देना है। और इसी के साथ हमें डालना है मीठे कड़ी पत्ते 20 या 25, और इसी के साथ हमें डालना है 1 चम्मच जीरा, और इसको अच्छी तरह से हमें चला लेना है। और गैस की प्लेट थोड़ी धीमी ही रखनी है, और धीमी आंच पे इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे चला लिया है, देखो इसी तरह से। अभी हल्का सा ऑयल डालना है, छोटा वाला चम्मच, 2 चम्मच डाल देना है छोटा वाला, इसी तरह से। अभी इसको हमें ढक्कन लगा के 5 मिनट इसको कुक होने को छोड़ देना, और धीमी आंच ही रखनी है, फास्ट गैस पे हमें इसको करना नहीं तो हमारी मिर्च जल जाएगी। अभी यहाँ पे धीमे आंच पे 5 मिनट हमने रख लिया है, देखो इसी तरह से। इसको और चलाएंगे, जब तक कि चलाना है लहसुन और हमारी मिर्च अच्छे से भून के ना हो जाए, नहीं तो ऐसे तुरंत निकालोगे फिर मिर्ची कच्ची लगेगी, फिर जैसे चाहिए वैसे ठेचा अच्छा लगे नहीं खाने में। तो और इसको धीमी आँच पे चलाते रहेंगे 5 मिनट और कंटिन्यू। अभी हम चेक कर लेते हैं, देख रहे हो हमारा एकदम परफेक्ट मिर्च हो गई है रेडी। अभी गैस बंद कर देना है, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने को छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे कुटन ले लेनी यानी खलबत्ता, इसी के में हमें जो मिर्ची हमारी ठंडी हो चुकी है वो पूरी डाल देते हैं हम इसके साथ ही। हाँ दोस्तों, घर पे जरूर बनाना है और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो सारी मिर्च हम खलबत्ते में डाल देते हैं। अभी इसके साथ हमने डालना है स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। अभी इसको कुटन से हमें अच्छी तरह से कूट लेना है। अभी यहाँ पर हमने अच्छी तरह से कूट लिया, देखो इसी तरह से। नमक डालने से क्या था, पानी छूट गया और जैसे हमें चाहिए वैसे रिजल्ट आ गया। इसी तरह से हमें दरदरा कूटना है, मैं आपको चमचे से लेके बता देती हूँ। वाव, इसी तरह से। अभी करेंगे मेन प्रोसेस। अभी यहाँ पे एक पैन ले लेना है, यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल डालना है, ऑयल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म हो चुका है, यहाँ पे हमने 1 चम्मच सरसों के दाने ऐड कर लेना है। इसी के साथ ही हमने डाल देना अच्छी तरह से, ये अच्छी तरह तड़तड़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमने डाल देना है 2 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए, इसको भी 1 मिनट के लिए चला लेना है। अभी यहाँ पर आप देखते हो टमाटर हमारे कितने अच्छी तरह से गल चुके हैं, इसको हमने इसे दबा लिया है एकदम, ज़्यादा भी इसको मतलब करना नहीं हमें मैश, हल्का सा टमाटर रखना है, दिखने अच्छा लगता है। अभी इसी के साथ हमने डालना है जो हमने पीसा था ठेचा, वो डाल देते कूट के, देख रहे हो। तो यहाँ पे हमें सारा मसाला डाल देना है हमारा ठेचे के, और इसी के साथ हम डालेंगे मूंगफली का भुका डालना है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मूंगफली ली थी, इसको मैंने भून ली थी और छिलके निकाले, और उसको पाउडर के जैसे हमने पीस लिया हुआ है वो डाल देना है। इसी के साथ हमने डालना है 1/2 चम्मच धना पाउडर, और ढेर सारा इसके साथ जाएगा धनिया, ऊपर से ही डालना है धनिया में। अभी इसको धीमी आंच पे 5 मिनट इसको अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं, यानी ठेचा हमारा बन के रेडी हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने अच्छी तरह से कुक कर लिया ठेचा, देख रहे हो, आपको लेके बता देते हैं एकदम परफेक्ट। हाँ दोस्तों, अभी आपको लगा गीता ने नमक नहीं डाला, मैं पहले ही बताऊंगी, जब हमने मिर्च कूटी थी खलबत्ते में तभी हमने पहले ही नमक इसमें डाल दिया है, अभी इसमें नमक डालने की हमें जरूरत नहीं है। देख रहे हो, अभी गैस बंद कर देते और सर्विसिंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। देखा ना दोस्तों कैसे बना दिया हमने नए तरीके से मिर्च टमाटर का ठेचा। मैं उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। हाँ दोस्तों, घर पे जरूर बनाना है और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। अभी तक चैनल पे नए होगे तो प्लीज शेयर करना है इस वीडियो को, लाइक करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, बेल आइकन भी क्लिक करो, जो भी नई वीडियो आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।